नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। लल्लनटॉप की टीम इस समय झारखंड चुनाव कवरेज के लिए आई हुई है और इस समय हम तमाड़ सीट पे हैं। ये विधानसभा क्षेत्र है, ये प्रॉपर तमाड़ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे। यहाँ तमाम तरह के मुद्दे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार कई पार्टियों के विधायक चुने जाते रहे, कई विधायक जो है कि यहाँ से मंत्री भी बने, लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं हैं जो 10-15 साल पहले थे। हम तमाम लोगों से जानेंगे कि इस बार उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या देख करके चुनाव में प्रत्याशी को वोट देंगे। और उनके अलावा जो है कि आपको पहले बता दें कि यहाँ पर जो मेन मुकाबला है, अगर हम तमाड़ सीट की बात करें तो वो इसलिए चर्चा में है कि यहाँ से कुंदन पाहन, जो पूर्व नक्सली हैं, इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में हैं। उनकी पत्नी उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। राजा पीटर जो हैं वो भी जेल में हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी भी उनके लिए प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा आजसू के विधायक थे विकास मुंडा, हालांकि इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली है, वो जेएमएम के टिकट पर इस समय मैदान में है। फिर से लोगों से जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और वो किसको वोट देंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता, गुप्ता जी क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? सर मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ के। अशिक्षा है यहाँ पे, रोजगार की बहुत समस्या है, ऊपर से रोड का, ये हमारा NH 33 का ये रोड देख रहे हैं आप, ये बहुत सालों से काम इसका पेंडिंग है, ये काम अभी तक हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, रोजगार का बहुत समस्या है यहाँ पे। बहुत सारे पार्टी के विधायक रहे यहाँ पे, लेकिन किन्हीं ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। बेरोजगारी यहाँ मुद्दा है आप कह रहे हैं? रोजगारी भी मुद्दा है, युवाओं में तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है अभी। तो आप जब वोट देने जाएंगे 7 दिसंबर को, तो क्या दे करके वोट करेंगे? जो हमें अच्छा रोजगार दे, जो रोजगार का साधन पैदा करे, वही हमारे युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा वही है। आपने क्या पढ़ाई की हुई? मैं ग्रेजुएट हूँ। किस? BSc जियोलॉजी से। तो उसके बाद कब आपने ग्रेजुएशन किया था? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट 3 साल हो गया। अच्छा, तो उसके बाद आपने जॉब की कोशिश नहीं की? जी किया हूँ, बस वैसे ही चल रहा है। कभी यहाँ पे झारखंड में तो जॉब को लेके बहुत सारा दिक्कत आ जाता है, कभी आरक्षण को लेके आ जाता है, बहुत सारा मुद्दा है जो, मतलब मान लीजिए अगर कोई काम, अगर कोई वैकेंसी निकलती है उसको भरा जाता है, फिर बाद में होता क्या है कि बहुत सारा आंदोलन होकर वो भी ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग नज़दीक आ जाइए या मैं उधर आ जाऊँगा। हाँ, लेते हैं आपका भी लेते। तमाड़ में जो है कि नेशनल मीडिया इसलिए इसको ज़्यादा भाव दे रहा है कि 3 तरह के प्रत्याशी हैं, एक जिनके पिता की हत्या हुई, एक जिन पे हत्या का आरोप है और एक जिन्होंने सुपारी दी, ये आरोप है। क्या है मतलब तीनों प्रत्याशियों में से किसको जनता चुनेगी? देखिए यहाँ की जनता को हमेशा लाइटली लिया जाता है कि नहीं ये जनता बेवकूफ़ है, लेकिन आजकल दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, सब रोज पढ़े हुए हैं, सब शिक्षित हैं, सबको पता है किसने क्या काम किया है और वही काम देख के वोट दिया जाएगा। कोई किसी को पार्टी और उसके या स्टेटस को देख के कोई वोट नहीं करेगा यहाँ पे। काम देख करके वोट दिया जाएगा, स्टेटस देख करके नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फणीराम महतो हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम अभी राजनीति करते हैं, थोड़ा बहुत। राजनीति करते हैं, किस स्तर की राजनीति करते हैं? क्षेत्रीय स्तर की। अच्छा, किस पार्टी को समर्थन देते हैं? हम आजसू पार्टी के। आजसू पार्टी, तो आपके विधायक तो इस बार जो है कि दूसरे पार्टी में चले गए हैं, उसको निकाल दिया गया था। अच्छा, निकाल दिया गया है। बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या काम हुआ? मतलब आजसू तो एक तरीके से सरकार के साथ थी, लेकिन हम लोग का पटा नहीं। अब हम लोग 52-53 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और CM बनेंगे। लेकिन 5 साल तो आप तो सरकार के साथ रहे, तो जनता आपसे भी तो पूछेगी। देखिए हम लोग नाम मात्र के समर्थन में थे, वो पूर्ण बहुमत में था, हम लोग का चला नहीं। आपके नेता का मैं जहाँ जहाँ गया एक नारा देखा मैंने, गांव की सरकार, क्या मतलब है इसका? हम लोग गांव की सरकार बनाएंगे और अब पदाधिकारी जो हैं ब्लॉक स्तर के, वो गांव में जाके चौपाल बैठाएंगे, उसमें पूछेंगे भैया आपका क्या समस्या है। तो सरकार रांची से नहीं चलाएंगे? रांची से नहीं चलाएंगे। अच्छा, गांव से चलाएंगे? गांव से चलाएंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता। अच्छा, क्या करते हैं सर? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, किस पार्टी को समर्थन करते हैं? हम स्थानीय विधायक जो है विकास कुमार जी, हमको समर्थन। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं कराया। काम नहीं किया जिसका नज़र में नहीं आ रहा है। 400 किलोमीटर सड़क बन गई है, बहुत ऐसे पुलिया बन गई है जो आवागमन की सुविधा हो गई है। उसको उदाहरण दे दूँ तो मनकटी पुल है, लुंगटू पुल है, अभी फिलहाल बन रहा है आपका बरनियापुर 13 करोड़ का।
काम किसी को नज़र नहीं है, दूसरा बात है यहाँ पर लड़ाई है, न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। 5 साल हम लोग सही पूर्वक बिताया, पुनः उसको फिर हम लोग लाना चाहते हैं, फिर मैंने हम लोग आराम से 5 साल फिर बीते। अच्छा, हम लोग कोई रक्त रंजित क्षेत्र नहीं चाहते हैं। क्या कहेंगे, इनका कहना है कि विधायक जी ने बहुत काम कराया है। जी हाँ, विधायक जी ने बहुत काम किया है, और सबसे बड़ी काम उसने ये किया है कि 5 साल में आज तक उनका कोई दाग नहीं लगा है, बेदाग है। और रही बात कि विधायक के साथ साथ और भी जनता प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का संसद, तो संसद 8 बार जो भाजपा करा उसने भी तो कुछ काम ही नहीं किया है। तो फिर विकास तमाड़ की कोई पीछे रहने का ये मकसद है कि यहाँ पर हम लोग का कोई और प्रतिनिधि काम ही नहीं कर चुका है, तो सारा दमोदर हम लोग का स्थानीय विधायक के ऊपर आया। तो एक ही बार में 5 साल में वो सारा चीज़ तो समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उसने इतना हद तक कम किया है, समाप्त नहीं कर सका है। अगर दोबारा हम लोग चुनते हैं तो शायद वो सब समाप्त करेंगे, ये हम लोग का आशा है। क्या नाम है आपका? मंतोष सेठ। क्या करते हैं? मेरा यहाँ दुकानदारी है। अच्छा, कौन सी दुकान चलाते हैं? किराना दुकान है। अच्छा, GST से कोई फर्क पड़ा? GST से हम लोग तो छोटा दुकानदार हैं, उतना हम लोग का तो GST लगता नहीं लगा है, हम लोग तो मामूली देहात में है, लेकिन GST के कारण तो बहुत सारा महंगा हो गया, बहुत चीज़ दुकानदारी में थोड़ा परेशानी हो रही है। परेशानी हुई, अभी भी है या खत्म हो गया? अभी भी है ये। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सदानंद सेठ। अच्छा, क्या करते हैं? हम किसान हैं। किसान हैं जी। हाँ, किसानों के लिए तो मोदी जी और रघुवर दास दोनों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, क्या हकीकत है? ये सही नहीं है, गलत है। सही नहीं है? आपके खाते में पैसा नहीं पहुँचा? नहीं पहुँचा है। एक रुपया नहीं? एक पैसा नहीं पहुँचा है। तो किसको समर्थन देंगे इस बार? विकास कुमार मुंडा को। अच्छा, लेकिन वो भी तो सरकार के ही हिस्सा थे 5 साल तक। 5 साल तक वो बहुत काम किया है, जो विधानसभा में काम नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग का क्षेत्र में जो टापू में रहते वहाँ रोड घुसा है। अच्छा, अभी तक रोड हम लोग का कोई एकदम आड़ मेड़ में चल रहे थे खेत का, उसमें अभी तक रोड घुसा है। अच्छा, हाँ नहीं, उसका फंड से बना है। माइक पे बोलिए क्या कह रहे हैं? विधायक मत से क्या काम किए वो बताइए, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना वाला मत बताइए। विधायक मत से बना है? एकदम नहीं बना है। विधायक जी का दर्शन नहीं है यहाँ पे, 5 साल में दिखे नहीं है वो। देखिए, आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन ये तो कह रहे हैं कि दिखे ही नहीं। नहीं नहीं, उनका तो अपना पार्टी में अस्तित्व नहीं है, 4 बार पार्टी बदल रहे हैं, वो क्या जनता के लिए काम करेंगे? काम करने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। क्या नाम है आपका? जी रोशनलाल सेठ। अच्छा, क्या करते हैं? जी स्टूडेंट है। स्टूडेंट, क्या पढ़ाई करते हैं? बीटेक किए हुए हैं सर। बीटेक किए हुए जी। मतलब कब आपने किया था सर? सर वो भाजपा सरकार की देने की हमें रोजगार नहीं मिली है। विधायक से क्या मतलब मिलेगा? जो सरकार हमें स्कॉलरशिप नहीं दे सकती है, हम उस सरकार की समर्थन क्यों करें? क्यों स्कॉलरशिप नहीं मिले तो फिर समर्थन करेंगे क्या? स्कॉलरशिप देगा तब हम तो समर्थन का बात ही नहीं किया। स्कॉलरशिप से ही देखिए, आपने बीटेक किया, इन्होंने बीएससी किया है, ये 3 साल से जो है बीएससी ना, 8 बार का संसद हम लोग का यहाँ भाजपा से रहा। जी जी, तो 8 साल का संसद नहीं हो वो क्या देके गया है? सांसद की बात कर रहे हैं आप? हाँ संसद की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा, लेकिन संसद यहाँ 8 बार रह चुका है, उसने कुछ काम ही नहीं दिया, उतना बड़ा हाई पोस्ट में बड़ा काम विधायक कर। हम लोग का सरजमड़ी पंचायत में नहाने का तालाब नहीं था, वो विकास मुंडा के ही कार्यकारिणी में किया गया। आप लोग के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि विधायक का बड़ा फंड रहता है कि संसद का बड़ा फंड रहता है? संसद हाईलाइट बड़ा काम करेंगे कि विधायक बड़ा काम करेंगे, वो जानना चाहते हैं। दोनों के अपने अपने। अरे आप कुछ कह रहे हैं? इधर आइए। नहीं नहीं, अरे इधर आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? आइए आइए आइए, माइक पे बोलिए ना। क्या नाम है आपका? किसान के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि साल में 6,000 रुपए पहुँचा रहे हैं। साल में गरीब को और गरीब कर रहा है ना, वो लूढ़ा लंगड़ा बना दे रहा है, रोजगार देना चाहिए। अरे हेलमेट सबको दिखाइए थोड़ा। हेलमेट से क्या मतलब है? क्या करते हैं? हैंडीकैप बना दे रहा है पैसा दे करके ना। हमारा खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, पानी पहुंचा है? नहीं पहुंचा पानी, नहीं पहुंचा है। अरे तो ये कह रहे हैं कि 40 सालों से ज्यादा समय से नहर जो है काम नहीं कर रही थी, अब उसको पूरा कर दिया है। अच्छा, नहर यहाँ पर काम करने से होगा, और भी खेत तक आप देखेंगे तब ना। ये तो सब दिन तो बगल वाला जो है खेत, वो तो खेती हो रहा है। अच्छा, लेकिन जहाँ पर नहीं हो रहा है वहाँ पर ना देखना चाहिए। ये किसान को जो है ना बुड़बक बना रहा है, 5,000 रुपया दे करके 500 बार दौड़ा रहा है। अच्छा, ठीक है, ये सब बुड़बक बना रहा है। और बेरोजगारी जो है ना, बेरोजगारी के लिए क्या किया है? झारखंड में 3.5 लाख इससे भी ज़्यादा जो है
वैकेंसी है। अभी क्या होता है, एक ठो आदमी से 100 काम कराया जाता है ब्लॉक में। अब जा करके ब्लॉक में विजिट कीजिए, तब ना पता चलेगा रघुबर सरकार, रघुबर सरकार। तो मतलब बेरोजगारी के मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही, आप ये कह रहे हैं? हाँ, एकदम बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी पूरा है, बेरोजगारी है ना। किसान लोग जो है बोलता है तरह तरह के योजना चलाते, सब योजना बेकार है। आज सब फंड पास करा करके पॉकेट में घुसा लेता है ये सब, है ना। ये योजना बनाएगा, योजना बनाने में तो माहिर है। अच्छा, योजना बना करके जो है ना सब अपना घुसा लेता है, ये सब है। अब क्या बोलेंगे आप बहुत ज्यादा सरकार से जो है नाराज लग रहे हैं। नाराज नहीं है, बेरोजगारी से नाराज है। आज जो है ना युवा बेरोजगारी है, पढ़ लिख करके क्या है, हम भी पीजी पास है, ठीक है, पीजी पास करके क्या नौकरी है गांव में, है गांव में कुछ है वैसा? आपके लिए मेरा ताली है, हम उसके है? उनके बातों से मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं ताली मार। क्या करते हैं आप? हम दुकानदारी करते हैं बस। नाम क्या है? आशीष कुमार गुप्ता। अच्छा, क्या दुकानदारी करते हैं? बस दुकान है। मैं किस चीज़ की दुकान है? बस वो सामने गुप्ता जनरल स्टोर है, वही मेरा दुकान है। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब इस समय जो है कि जीएसटी लगने के बाद बहुत सारे व्यापारी परेशान थे? कोई प्रॉब्लम नहीं है जीएसटी से। अच्छा। पहले एक चीज़ बताइए, पहले आप रेस्टोरेंट जाते थे, एक पिज्जा खाते थे, उसमें 33% आप वैट और सर्विस टैक्स देते थे, ठीक है। ये बस लोगों को समझने में बस केवल गलती है। आज के डेट में मात्र फूड में 5% लग रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो ये काम अच्छा किया है मोदी। अच्छा है, जीएसटी एक नंबर चीज़ है। बस जिनको जीएसटी का जीव नहीं आता है ना, वो लोग जीएसटी के बारे पीछे पड़े हुए हैं कि जीएसटी लगा दिया। क्या खराबी है? अभी 1000 रुपये से नीचे के कपड़े में 5% जीएसटी है, और उससे ऊपर के कपड़े में 18% जीएसटी है, तो गरीब को तो राहत ही है ना बॉस। रघुवर सरकार ने क्या राहत दी है गरीबों को? वो तो भाई मेरे को पता नहीं है। नहीं पता है, पता। लेकिन लेकिन बस मोदी जी के समर्थक। लेकिन इतना पता है कि राजा पीटर ने राजा पीटर ने हमें राहत दी है बिजली दिलवाकर। अच्छा, तो आपका वोट उन्हें? बस मेरा समर्थन राजा पीटर के साथ है। केवल बिजली के लिए, कोई और भी चीज़? हर चीज के लिए राजा पीटर तो बस काम ही कर ही रहते हैं। ये तो तमाड़ की जनता, ये क्या बोलते हैं, आंसू और बीजेपी के उस समय ठगी में आ गए। लेकिन वो जेल में है, तो बॉस कहेंगे उसपे? अरे बॉस जेल में तो प्रूफ नहीं ना हुआ है। अच्छा। पिछले कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर ने क्या क्या अफवाहें लिखी, या वो हकीकत है कि नहीं है वो तो मेरे को पता नहीं है। अब इसके अगेंस्ट में जो चार्जशीट जो है उसमें आरोप तय कर दिए हैं, ऐसा तो मैंने सुना नहीं है अभी तक। हाँ। ऐसी खबरें हैं? खबरें तो हैं, खबरें तो बहुत कुछ होती है। एनआईए ने चार्जशीट जो है फाइल की है, उसमें है तो मेरे आरोप तय कर, हो सकता है वो मेरे को पता नहीं है, समझे ना। लेकिन वो किसके साथ क्या किया उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, इट डजंट मैटर फॉर मी। मतलब आप, लेकिन आप वोट देते समय तमाड़ के विकास के लिए उन्होंने काम किया था, ठीक है। और आज उस समय जो तमाड़ की जनता भाजपा और आंसू के जो ठगी में आ गई, अब विकास मुंडा को भारी मतों से विजयी बना दी, आज उन्होंने भाजपा और आंसू का दामन छोड़ फिर किसी और पार्टी में चले गए, कल फिर किसी और पार्टी में चले जाएंगे। ये तो राजा पीटर के साथ भी है ना, वो तो हर किसी के साथ है, समझे ना। हर कोई अपना ही रोटी सेकेगा बॉस, समझे ना। यहाँ पे यही नीति यही है, समझे ना। तो एक चीज बताइए, आज किसी काम को करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास विधायक में फंड नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए कहाँ से आ जाता है? 303 बूथ, एक एक बूथ मैनेज करने के लिए सर 10,000 रुपए कहाँ से आ जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? मैं हर नेता के बारे बोल रहा हूँ बॉस। अच्छा। ये कोई मैं जेएमएम आसू बीजेपी में किस, ये हर नेता से मेरा क्वेश्चन है कि चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए फंड आ जाता है, और कोई अगर मान लीजिए अगर कोई नहर का काम करवाना है तो खुद अंदर है, तो वो कहाँ से फंड रिलीज कर रहे हैं? आइए सामने आइए। भाजपा के साथ भी है, जेएमएम के साथ भी है, पीटर के साथ भी है, और वो देखिए कुंदन भैया झारखंड पार्टी के साथ भी है। तो एक नोटा का भी ऑप्शन होता है, तो क्या मतलब अगर कोई विधायक या कोई भी प्रत्याशी अगर पसंद नहीं है तो क्या नोटा दबाना चाहिए? एकदम मारना चाहिए नोटा। नोटा मारना चाहिए, नोटा का जो नोटा एकदम नोटा को एकदम यूज करना चाहिए। अच्छा। कोई और जो अपनी बात रखना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं, अगला पूर्व विधायक जो थे, दो साल विधायक थे, 5 साल मंत्री थे, ठीक है, उनका पैतृक गांव जो कमारा पा है, जो सारजमडी पंचायत में आते हैं, 7 साल में अपने गांव में क्या काम किए थे, अभी जाके देखिए, वहाँ पर रोड दौड़ रही है, वहाँ पर न पुल बन गया है, आवागमन मुख्य रोड से जुड़ गया है, फिर क्यों काम नहीं किए? वो तमाड़ के लिए क्या किया जाना चाहिए जी, बताइए। ये हर पार्टी से क्वेश्चन है, जितना पार्टी है ना इस झारखंड और इस देश में, जितना पार्टी है
चाहे वो बीजेपी हो, आजसू हो, जेबीएम हो, जेएमएम हो और महाराष्ट्र का क्या बोलते हैं शिवसेना हो, हर पार्टी से मेरा क्वेश्चन है कि चुनाव लड़ने के लिए फंड कहाँ था, इतना इतना जो बैनर पोस्टर, इतनी इतनी जो गाड़ियाँ घूम रही है, इसके लिए पैसा कहाँ आती है। अगर कोई पब्लिक बोला कि कुछ विधायक फंड या अपने फंड से काम करे तो उसमें बोलता है विधायक में फंड नहीं है या एमपी के पास फंड नहीं है। पार्टियाँ तो कह रही हैं कि उनको चंदा मिलता है। एक बॉस बता रहे, ठीक है, पार्टियाँ तो कहती हैं उनको चंदा मिलता है। चंदा कहाँ से आता है बॉस? लोग देते हैं इनका, लोग के पास इतना कौन दिलदार है हमको, एक को कोई हमको दिखाइए कोई चंदा दे रहा है हमको। अंकल जी बहुत गंभीर होके सुन रहे हैं। जय सर, क्या नाम है आपका? हमारा समर मुखर्जी। समर मुखर्जी सर, क्या करते हैं? हम ऐसे खेतीबाड़ी करते हैं। एक मिनट हो गया, क्या करते हैं सर? हम खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी करते हैं जी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही दावा किया है कि वो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, आपको कुछ फायदा मिला कि नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन और आदमी को, गरीब तबके को बहुत मिला है। अच्छा। मैंने इसलिए मिला है कि उन लोग को अभी बूढ़ा बूढ़ी जो है पेंशन मिल रहा है, सबको इंदिरा आवास मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, रोड जहाँ पर रोड नहीं था रोड बन रहा है, इसलिए काम तो बहुत किया, इसमें दो मत कुछ नहीं है। तो किसको मतलब चुनेंगे फिर इस बार? इस बार देखिए, यहाँ पर चुनने न चुनने का सवाल है कि कोई भी जितने भी प्रत्याशी हैं यदि वो लोग अभी इतना खर्चा कर रहे हैं तो ये तो जनता को लूटने के लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि उसे प्रत्याशी को वोट दें जो हमारे यहाँ एक प्रत्याशी है हराधन मुंडा, बेचारा साइकिल से घूमता है और उन्होंने दावा किया कि हम अपना असलियत को दिखाएंगे, हम बिना खर्चा किए आदमी को जितना मन का खुशी से हम बटरेंगे फोन। मैंने लोग उनको नहीं चुन रहे इसलिए तो पार्टी इतना पैसा खर्च कर रही है फिर? नहीं नहीं, इसीलिए आदमी को समझदारी होनी चाहिए। अभी आदमी लोग क्या करता है, पैसे के चलते 200, 300, 500 के चलते कुत्ते जैसा पार्टी में घूम रहे हैं। एक पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी में मोटरसाइकिल भिड़ा दे रहा है, हमने देखा। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि आप मान लीजिए विधायक चुनते हैं बीजेपी का, कल को किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, इसके लिए तो वही तो सबसे हमारा बड़ा मुद्दा है कि मैंने हमारे जितने विधायक हैं वे विधायक में अपने में कोई टिकाऊ नहीं है, इसलिए आदमी का भरोसा विधायकों प्रति टूट जाता है। लेकिन एक सरकार का है कि मतदान करना है तो करना है, इसलिए आदमी मतदान करता है। जो दो दिन की दिखावा में जो जो आते हैं आज जिनको शराब की पैसा मुर्गे की पैसा मिलता है वे उसी को वोट डालते हैं, कहे कि यहाँ का वोट का कोई मकसद रखता नहीं। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं तमाड़ विधानसभा के, और कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो चलिए आज के लिए जो है कि इतना ही। ये तमाड़ विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे हम इस समय हैं, लोगों ने अपनी समस्याएँ बताई, लगभग कुछ कॉमन समस्याएं हैं कि विधायक जो हैं कि जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं वो पार्टी बदल लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा विकास, जो बीजेपी दावा कर रही है कि पिछले 5 सालों में जितना विकास हुआ है वो झारखंड में पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की राय में वो विकास जो है कि तमाड़ तक नहीं पहुँचा है, पीछे जो है कि विकास शुरू हुआ है। मतलब कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये रांची से जमशेदपुर हाईवे है, ये बन रहा है अभी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से जो है कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। लल्लनटॉप आपको तमाम झारखंड चुनाव की कवरेज आप तक पहुंचाता रहेगा। मिलते हैं अगले पड़ाव पर, तब तक बने रहिए लल्लनटॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।